आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक बहुत ही बेहतरीन हाउस प्लान, और यहाँ पे जो है आपको जो डिटेलिंग मिलेगी वो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर दोनों की होगी, और इसमें हमने डिज़ाइन किया है 6 बेडरूम के हिसाब से। यहाँ पे जो है जो भी हम आपको डिज़ाइन दिखाएंगे, आप इससे जो है थोड़ा बहुत 19-20 प्लॉट में जो है आप इसको रीडू कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पे प्लॉट का लेआउट है, जहाँ पे आपको प्लॉट के बारे में कुछ बेसिक डिटेल मिल जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इस प्लॉट का साइज़। यहाँ पे मेंशन है 28 बाई 27, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें को ये मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है 27 इसकी पूरी लंबाई मिल रही है, और यहाँ पे जो है इसकी जो चौड़ाई है वो 28 फुट है, और फ्रंट आपका यहाँ पे है। और यहाँ पे अगर हम बात करें प्लॉट की ओपनिंग की, तो प्लॉट का जो ओपनिंग है वो फ्रंट और बैक में है, सिर्फ दो साइड से ये प्लॉट ओपन है, और यहाँ पे जो दोनों साइड जो है वो अदर प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी दूसरे की ज़मीन से घिरा हुआ है। इसकी डिज़ाइनिंग हमने 2 फ्लोर में की हुई है, जिसमें हमने 6 बेडरूम डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पे जो है इस प्लान का जो प्लानिंग है वो वास्तु के हिसाब से किया गया है। यहाँ पे 28 बाई 27 का जो स्क्वायर फुट एरिया बनता है वो आपका 756 बनता है। और यहाँ पे जो इस वीडियो में जो डिटेल होगी वो 3D प्लान होगा, 2D प्लान साइजेस के साथ भी होगा, और 3D प्लान में भी हम आपको साइजेस बताएंगे, प्लस इसकी दोनों फ्लोर की कॉस्टिंग क्या होगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे 3D प्लान की। तो यहाँ पे हम इसका पूरा प्लान का ओवरव्यू लेंगे साइजेस के साथ। तो हम शुरू करेंगे अपने एंट्रेंस पोर्च से। तो हमें सामने जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है एक एंट्रेंस पोर्च मिल जाता है, जहाँ पे हमने एक यहाँ पे बेंच लगाया हुआ है। आप अपने हिसाब से जो भी आपको सीटिंग अच्छी लगे आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इतना बड़ा एरिया मिल जाता है। तो यहाँ पे इसके साइज़ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे 14 फुट 9 इंच पूरी इसकी जो चौड़ाई है ये प्लांटर बेड के साथ, यहाँ से लेके ये पूरा, और इसकी जो लंबाई है वो आपका 4 फुट भी हो सकती है और 5 फुट भी हो सकती है। तो अब मैं बताता हूँ कि 4 फुट कहाँ तक होगी और 5 फुट कैसे होगा। तो यहाँ पे जो ये वॉल देख रहे हैं ना, तो यहाँ से लेके ये जो पूरी जो लंबाई है वो 4 फुट है, 1 फुट हमने एक्स्ट्रा बाहर निकाला हुआ है, उसके बाद एक स्टेप हमने दिया हुआ है। तो इस हिसाब से अभी जो है आपकी लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक जो है आपको 5 फुट मिल जाती है। और यहाँ पे जो है सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे आपको मिलती है सेपरेट सीढ़ी, जिससे कि आप कल को जो है रेंट पे भी अगर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है जैसे ही आप अपने पोर्च में जाते हैं, तो लेफ्ट साइड में आपकी सीढ़ी जा रही है फर्स्ट फ्लोर के लिए। तो यहाँ से आपकी चढ़ाई होगी और कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे आके आप लैंड कर जाते हैं। टोटल यहाँ पे 19 स्टेप होंगे, 19 स्टेप में जो है हाइट 10 और 11 फुट की हाइट रख सकते हैं फ्लोर की। उसके बाद हम बात करते हैं इसके रूम साइज की सीढ़ी वाले का जो रूम साइज है वो कितना है। तो यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो 12 फुट 2 इंच है, और इसकी लंबाई 6 फुट 10 इंच है। आगे आता है हमारा एंट्रेंस डोर, जिसकी चौड़ाई हमने रखी है 3.5 फुट। तो यहाँ पे जो है साइजेस थोड़े बहुत 19-20 आप कर सकते हैं एंट्रेंस डोर की चौड़ाई। उसके आगे जो है हमारा लॉबी एरिया आता है। लॉबी यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, 7 फुट 6 इंच इसकी चौड़ाई है और 12 फुट इसकी लंबाई है लॉबी की। उसके बाद जो है हम बात करेंगे बेडरूम कम ड्राइंग रूम। तो सबसे पहले जो है हमारा बेडरूम कम ड्राइंग रूम, हमने इसको इसलिए बोला क्योंकि आप इसको अगर आपको सीटिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप सीटिंग यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आप इसको बेडरूम में कन्वर्ट कर सकते हैं बेड लगा के। तो अभी फिलहाल हमने आपको यहाँ पे सीटिंग दिखाई है, किस तरीके से आपकी सीटिंग यहाँ पे मिल जाती है। फ्लोर अलग है, आपका वॉल पे कलर्स अलग हैं, तो इस हिसाब से जो है इसकी प्लेसमेंट हो सकती है। और बेड अगर आपको रखना है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे फर्नीचर अरेंज कर सकते हैं। तो ये आपका बेडरूम 1 है। तो यहाँ पे इसके अगर हम साइज़ की बात करें बेडरूम 1 की, तो यहाँ पे 9 फुट 6 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी, और इसकी जो लंबाई रहेगी वो 11 फुट 2 इंच रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे किचन की, जो कि किचन आपका लॉबी से लेफ्ट में है। तो यहाँ पे आपको किचन का भी अच्छा साइज मिल जाता है। आप देख सकते हैं इसका लेआउट किस तरीके से हमने अरेंज किया हुआ है। यहाँ पे आपका ईस्ट फेसिंग जो है कुकटॉप है, यहाँ पे सिंक है, और फ्रिज हमने यहाँ पे बाहर में रखा हुआ है, क्योंकि किचन में जो है हम नहीं चाहते कि यहाँ से हम काउंटर को हटाएं। अगर आपको किचन के अंदर रखना है तो आपको ये पूरा जो है कि स्ट्रेट काउंटर आपका जाएगा, एल नहीं जाएगा, तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें। विंडो आपको यहाँ पे मिल जाती है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर सिंगल पल्ले का या फिर 2 फुट 2.5 फुट का दे सकते हैं। अभी फिलहाल इसकी जो चौड़ाई है वो 4 फुट की है।
और एक विंडो हमने यहाँ पे भी दिया हुआ है, अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट हो तो आप रख सकते हैं इस विंडो को, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है अगर हम किचन के साइज़ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो किचन का साइज़ है इसकी जो चौड़ाई है 9 फुट 6 इंच रहेगी और इसकी लंबाई जो है 6 फुट रहेगी, यानी 9 फुट 6 इंच बाय 6 फुट का ये किचन हो गया, काफ़ी अच्छा साइज़ है। उसके बाद हम बात करते हैं बेडरूम टू की। बेडरूम टू जो है वो ये है, तो यहाँ पे भी जो है आपको इस रूम में स्टैंडर्ड साइज़ का एक बेड मिल जाता है, एक अलमारी और एक एलसीडी, और बैक साइड में आपको एक विंडो ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि बैक साइड में कोई एंट्री हो तो आप यहाँ पे 2-2.5 फुट का डोर दे सकते हैं, जिससे कि बैक साइड में एंट्री हो सकती है। उसके हिसाब से जो है थोड़ा बहुत विंडो को छोटा भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको जो है थोड़ा सा और इधर साइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको इस प्लान में, इस रूम में तीनों चीज़ें मिल जाती हैं जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ पे अगर हम साइज की बात करें तो यहाँ पे 9 फुट 6 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी और 10 फुट इसकी लंबाई रहेगी। उसके बाद आते हैं हमारा यहाँ पे जो है मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम का जो साइज़ है, मास्टर बेडरूम में भी आप देख सकते हैं कि फर्नीचर जो है आपको तीनों मिल जाती है। यहाँ पे उस रूम से ये बड़ा साइज़ है, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दोनों साइड में साइड टेबल्स हम रख के दे रहे हैं, मतलब रख के दिखा रहे हैं कि आप इस तरीके से रख सकते हैं। प्लस एक अलमारी आपकी आ जाएगी जो 2 फुट चौड़ी होगी। सामने आपको यहाँ पे एलसीडी मिल जाएगा, वॉल पे अलग टाइप का वॉलपेपर या पेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर हम रूम की बात करें, तो रूम आपका जो है 9 फुट 6 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी और 12 फुट इसकी लंबाई रहेगी। तो इस हिसाब से जो है यहाँ पे जो है ये तीनों रूमों में से जो है सबसे बड़ा रूम है। अगर हम बात करें कि ये जो डिज़ाइन है, आपको अगर कंस्ट्रक्शन करवाना है तो ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटे प्लॉट में, ज़्यादा से ज़्यादा 19-20 प्लॉट में आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि 27 बाई 27 में आप इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सेम टू सेम 28 बाई 28 में इसको बना सकते हैं। तो 1-2 फुट का फ़र्क आप ले सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं चलेगा। हाँ, बड़े प्लॉट में जो है आप इसको बड़े अच्छे से बड़े साइज़ में जो है आप इसको बना सकते हैं, लेकिन छोटे प्लॉट में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5-2 फुट का ही फ़र्क हो सकता है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद जो है हमें यहाँ पे सेपरेट टॉयलेट और सेपरेट बाथरूम मिलता है, जो कि 3 रूम या फिर 4 रूम वाले प्लान में जो है इस हिसाब से होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो है 3 बाई 6 का जो है ये टॉयलेट एरिया है पूरा, 3 फुट चौड़ा और 6 फुट लंबा। आप वॉश बेसिन चाहें तो इसमें एक छोटा सा वॉश बेसिन भी लगा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा है। बाथरूम की जो चौड़ाई है वो है 4 फुट 1 इंच इसकी चौड़ाई है और 6 फुट इसकी लंबाई है, तो इस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बन सकता है। एक बार आप इसका ओवरव्यू ले सकते हैं कि किस तरीके से ये देखने में लगेगा पूरा वो प्लान। यहाँ पे आपके सामने ग्राउंड फ्लोर का लेआउट प्लान है, और यहाँ पे हम फटाफट से इसके साइजेस देख लेते हैं कि जो भी साइजेस मैंने बताया वो सही है नहीं है, और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, कुछ डिटेल आपको शायद यहाँ पे भी मिल जाए। तो यहाँ पे जो है चौड़ाई इसकी 14 फुट 9 इंच मिल रही है, और जैसा कि मैंने बताया कि इसकी लंबाई जो है 5 फुट है, यहाँ पे हमने 1 फुट एक्स्ट्रा लिया हुआ है, और इसकी जो है सही साइज़ जो है आपको यहाँ पे मिल जाती है 4 फुट। यहाँ पे एक अच्छी सी एक सिंगल वे में जो है आप यहाँ पे सीटिंग रख सकते हैं, साथ में आपको प्लांटर बेड मिल जाता है, यहाँ पे कुछ पौधे लगा सकते हैं। सीढ़ी का जो एरिया है काफ़ी अच्छा मिल रहा है आपको, सेपरेट सीढ़ी है, रेंट के लिए काफ़ी अच्छा बन सकता है। तो यहाँ पे जो है 12 फुट 2 इंच इसकी चौड़ाई बन रही है आपकी, यहाँ पे 6 फुट 10 इंच इसकी लंबाई बन रही है। जो सीढ़ी की जो चौड़ाई है वो है 3 फुट है, ट्रेड का जो साइज़ है वो हमने रखा है 10 इंच का। यहाँ पे टोटल 19 स्टेप है जो कि आपका यहाँ पे लैंड होता है फर्स्ट फ्लोर पे, और 19 के हिसाब से जो है आप यहाँ पे जो फ्लोर की हाइट रख सकते हैं वो रख सकते हैं 10 और 11। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि इसकी जो एंट्रेंस है वो 3.5 फुट की है, और साइड में थोड़ा सा स्पेस है जहाँ पे आप इसके एंट्रेंस साइज़ को जो है बढ़ा सकते हैं। इसका जो पूरा साइज़ है वो 4.5 फुट का है, यानी 1 फुट है तो आप 6 इंच और इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम बात करते हैं यहाँ पे बेडरूम कम ड्राइंग रूम होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे 9 फुट 6 इंच इसकी चौड़ाई है और यहाँ पे जो है 11 फुट 2 इंच का इसका लंबाई रहेगा। यहाँ पे जो है हमने विंडो इसका साइज ले रखा है 6 फुट का। नॉर्मली आप इसकी जो चौड़ाई है वो 5 फुट भी रख सकते हैं, 4 फुट भी रख सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे आता है किचन। किचन का जो साइज है
वो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो 9 फुट 6 इंच का किचन रहेगा और इसकी जो चौड़ाई है वो 6 फुट है। कुकटॉप और यहाँ पे सिंक। विंडो का साइज़ जैसे मैंने बताया था 4 फुट की है, आप चाहें तो 3 फुट का भी रख सकते हैं, 2 फुट का भी रख सकते हैं। उसके बाद जो हम आता है यहाँ पे हमारा ये लॉबी एरिया। तो लॉबी एरिया जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आपका 7 फुट 6 इंच बाय तकरीबन जो है 12 फुट ही है, तो 12 फुट इसकी लंबाई रहेगी, 11 फुट 11.5 इंच यानी आपका अप्रॉक्सीमेट 12 फुट हो ही गया। उसके बाद जो है बेडरूम टू आता है, तो बेडरूम टू का जो साइज़ है 9 फुट 6 इंच इसकी चौड़ाई है और 10 फुट इसकी लंबाई है। उसके बाद आता है बेडरूम थ्री, तो बेडरूम थ्री का जो साइज़ है वो यहाँ पे 9 फुट 6 इंच बाय आपको यहाँ पे 12 फुट का ये बेडरूम मिल रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं टॉयलेट की, तो यहाँ पे जो टॉयलेट की जो चौड़ाई है वो 3 फुट की मिल रही है और यहाँ पे जो इसका लंबाई है वो आप देख सकते हैं 6 फुट है और इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पे 4 फुट हमने 1 इंच ली हुई है। तो ये सारे साइजेस आपको देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। तो यहाँ पे जो है इस फ्लोर को कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए आपको कम से कम 12-13 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास इतना है तो आप सेम टू सेम ये डिज़ाइन जो है कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। अगला जो हमारा फ्लोर होगा वो फर्स्ट फ्लोर होगा और उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपके सामने यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर का लेआउट प्लान है और हम इसके चेंजेस देखने वाले हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं या फिर और हम इसमें क्या एड ऑन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले लैंडिंग की। जब भी हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो हमारी लैंडिंग यहाँ पे होती है, यानी कि हम यहाँ से आ रहे होते हैं यहाँ पे आप अप देख रहे हैं, ये आपकी जो सीढ़ी है वो जा रही है आपका सेकेंड फ्लोर पे और ये जो डाउन देख रहे हैं ये जा रहा है फर्स्ट टू ग्राउंड फ्लोर, यानी फर्स्ट फ्लोर पे अभी हैं आप और ग्राउंड फ्लोर पे आप जाने वाले हैं यहाँ से। तो ये एरिया है जो कि आपका पूरा ओपन रहेगा, साथ में आप विंडो यहाँ पे ले सकते हैं जैसा कि मैंने 3D में दिखाया था और ये आपकी जो है एक बालकनी बन सकती है जो काफ़ी चौड़ी है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे चेंजेस की बात करते हैं कि मान लीजिए कि फर्स्ट फ्लोर पे आपको 2 BHK बनाना है, तो 2 BHK तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, 2 BHK रेंट के लिए बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। आपका ये एक बेडरूम रहेगा, आपका दूसरा बेडरूम ये रहेगा और ये आपका ड्राइंग रूम बन जाएगा जहाँ पे आप सिटिंग अरेंज कर सकते हैं और बीच में से जो है हमने यहाँ से वॉल को रिमूव कर दिया जिससे कि आपका पूरा ये स्पेसियस दिखेगा और यहाँ पे आप डाइनिंग टेबल प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको बालकनी नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको जो है एक्सटेंड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये भी ऑप्शन आपके पास है। अगर हम बात करें कि जो है एक ही फैमिली को जो है कुछ एक्स्ट्रा रूम्स चाहिए तो बात वही आ जाती है कि आप जो भी आपका ग्राउंड फ्लोर पे है, अगर आपको 6 रूम चाहिए तो ग्राउंड फ्लोर का प्लान आपको फॉलो करना होगा। अगर आपको 2 BHK रेंट पे देना है तो आपको इस हिसाब से जो है 2 BHK देना होगा, या फिर अगर आपको 3 रूम के हिसाब से देना है रेंट पे तो आपका एक ये रूम प्लस ये रूम और एक ये रूम, आपका ये तीनों बन जाएंगे। तो ये जो है सारे चेंजेस हैं फर्स्ट फ्लोर पे। बाकी जो है लेआउट पूरा सेम रहेगा, कॉलम स्ट्रक्चर भी आपका सेम रहेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस फ्लोर के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। तो यहाँ पे जो है कम से कम इसका जो है फर्स्ट फ्लोर पे जो है 9 से 10 लाख रुपए इसमें खर्च होंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक लमसम अमाउंट, तो दोनों फ्लोर को कंस्ट्रक्शन करने के लिए कम से कम आपको 22 से 25 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो इतना अगर आपके पास अमाउंट है तो आप ये दोनों फ्लोर को कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।